नमस्कार योगेश जी। पिछली बार आपसे एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा हुई थी, जो कि था 2025 में काफी सारे ग्रहों का एक ही राशि में आ जाना, जिसपे आपने काफी विस्तार से ये बताया था कि इन ग्रहों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। लेकिन उसके बाद काफी लोगों के आपके पास भी कॉल आए और काफी लोगों ने जानना चाहा कि इस घटना का कहाँ कहाँ क्या प्रभाव होगा, और काफी सारी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से विश्व में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद लोगों में इस तरह की ज्योतिषी घटनाओं के प्रति काफी रुचि बढ़ गई है। तो कृपया करके अपने अनुभव से हमें ये बताएं कि ये जो एक विशिष्ट घटना हो रही है, इसका क्या प्रभाव होगा, कहाँ कहाँ होगा, तो योगेश जी कृपया करके बताएं। जी अभिषेक जी, हम शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 2025 के लगभग बहुत सारे ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए शनि, राहु, सूर्य, चंद्र, शुक्र। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह जब आ जाएंगे मीन राशि पे, और खास तौर पे शनि राहु एक साथ बैठ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीन राशि एक जल राशि है, मीन राशि एक, बिल्कुल हाँ जी कोई बात नहीं, मीन राशि एक जल राशि है। तो जब 2004 में शनि कर्क राशि में था, जो कि कर्क राशि एक जल राशि है, तो पूरे वर्ल्ड में सुनामी आई थी। तो अब वापस मीन राशि में शनि आ रहा है 2025 में, अप्रैल 25 में। तो मित्रों, क्या हो सकता है कि वापस विश्व में सुनामी आ सकती है, क्योंकि सुनामी, जैसा कि आप जानते हैं, एक जल संकट होता है। अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं, जल संकट है सुनामी, तो जी 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। और अब आप जानना चाहेंगे कि जब ये मीन राशि पे शनि, राहु, सूर्य, चंद्र ये सब एक साथ बैठे रहेंगे, चार पांच छह ग्रह, तो विश्व के कौन कौन से देश प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पे मीन राशि से जर्मनी देखते हैं, मेदिनी ज्योतिष में मीन राशि से जर्मनी देखते हैं, तो जर्मनी भी प्रभावित होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में जर्मनी ने हिस्सा लिया था, जी और बिल्कुल तो एक विश्व युद्ध की भी संभावना रहेगी जिसमें जर्मनी शामिल हो सकता है। और अगर जर्मनी शामिल होता है तो उसकी हैट्रिक बन जाएगी, क्योंकि तो दो हाँ दो वर्ल्ड वॉर वो ऑलरेडी लड़ चुका है, ठीक है, ये जी उसके बिल्कुल उसके लिए तो तीसरा विश्व युद्ध रहेगा। ये बहुत ही विशिष्ट जानकारी है सर, क्योंकि अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस तरह की जानकारी डे टू डे लाइफ में भी यूज हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कि जी विशिष्ट रूप से सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है या एक अखबारी खबर है, इसको मुझे लगता है लोग अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं इस तरह की जी इंफॉर्मेशन का। हाँ, इसके अलावा जर्मनी के अलावा मीन राशि से नॉर्वे, नॉर्मेंडी, सहारा डेजर्ट, जो सहारा रेगिस्तान है, वो भी देखते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसमें समुद्र बहुत ज्यादा, समुद्र के किनारे हैं, इस तरह की जगह जगह कह सकते हैं हम देखो इसको? देखो, सहारा डेजर्ट तो डेजर्ट है, वहां कोई समुद्र नहीं है, है हाँ, ना। तो फिर सिर्फ इसके आगे चलते हैं हम, जो हाँ शहर है मीन राशि से देखे जाते हैं, एलेक्जेंड्रिया और लैंकेस्टर, साउथ पोर्ट और प्रिस्टन, इन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अच्छा यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि केवल मीन राशि पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मीन राशि सिंह राशि से आठवीं होती है। तो जी 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 बिल्कुल हमारे जो गुरुजी हैं, जो आपके भी गुरुजी हैं, मेरे भी गुरुजी हैं, के एन राव जी, उन्होंने, हाँ के एन राव जी ने बताया कि अमेरिका का जो लगन है वो सिंह लगन है, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका जब आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को हुआ था, हाँ फिलाडेल्फिया में हुआ था। जी तो उसका समय लिया जाता है 4 जुलाई 1776, 10 बज के 21 मिनट, और हाँ स्थान फिलाडेल्फिया। जैसा कि हाँ आपको हाँ पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन के कारण अमेरिका आजाद हुआ था। सर, एक तो थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि उसका जेमिनी लग्न भी देखा जाता है। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी मेरी मुंह की बात छीनी कि बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी उसका हाँ मिथुन लगन लेते हैं अमेरिका का, बिल्कुल परंतु बिल्कुल हमारे के एन राव सर खुद अमेरिका जा चुके हैं और वहां के स्टूडेंटों को पढ़ाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ उन्होंने अमेरिका की घटनाओं को बहुत ज्यादा टेली किया है, तो सिंह लगन से सबसे ज्यादा टेली होती है। तो अच्छा हम, अच्छा तो हमारे, अगर हम गुरु जी की आज्ञा माने, आदेश माने, तो
उन्होंने कह दिया तो फिर दूसरी सोच पे, दूसरी बात पे सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ या पे। हम उनका मार्गदर्शन माने तो अमेरिका का यदि हम सी लगन लेते हैं तो जी। अभिषेक जी ये जो 5-6 ग्रह इकट्ठा होंगे सी हाँ लगन से 8वें भाव में इकट्ठा होंगे, अच्छा तो सबसे ज्यादा कंट्री में अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है जी। जो। और अब ये प्रभाव मुख्यतः 29 अप्रैल 2025 हाँ से 18 मई 2025 तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि जी। राहु जो मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहेगा उसके हाँ बाद राहु अपनी राशि बदल लेगा और राहु जी। कुंभ राशि में आ जाएगा। तो अच्छा ये पूरे विश्व के लिए सावधानी का समय है, 29 अप्रैल 2025 से 18 मई 2025। अब जैसा कि मैंने सी राशि का नाम लिया है तो सी अमेरिका का माना सी लगन है, लेकिन वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज है जिन पे सी राशि का प्रभाव है, तो आप मैं बताना चाहूंगा आपको कि कौन सी कंट्रीज है जिन पे सी राशि का प्रभाव है। तो सबसे पहले यूरोप में जो इटली है, इटली फ्रांस, और जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली और फ्रांस ने भी भाग लिया था, मतलब खासतौर बिल्कुल पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लिया था। तो जब भी ये इटली फ्रांस जर्मनी आते हैं तो वर्ल्ड वॉर ही होता है। तो इटली जी। फ्रांस, फिर इसके अलावा नॉर्थ रोमानिया, जो नॉर्थ रोमानिया है वो भी सी मतलब हाँ, और जो शहर है ये तो सर पूरा रशिया से ज्यादा दूर नहीं है ये एरिया, और जो है घटनाएं पिछले सालों यहाँ में पे अभिषेक जी, ये उसी यूरोप तरह के बता रही है। ये जो यूरोप का पार्ट ज्यादा है, क्योंकि इटली फ्रांस रोमानिया जर्मनी ये सब यूरोप में आते हैं। फिर हम शहरों की बात करें तो मुंबई, शिकागो, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हैगा मतलब यूरोप में हैगा। फिर फिलाडेल्फिया जो अमेरिका में हैगा। फिर ब्लैक ब्लैकपूल और डेमास्कस, ये शहरों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सी राशि भी प्रभावित होगी, क्योंकि सी राशि से सारे इतने सारे ग्रह 8वें रहेंगे, जी लेकिन यहाँ पे अभिषेक जी तुला राशि